देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल गैस के दाम के विरोध में कांग्रेस की ओर से गिरीश पांडव के नेतृत्व में मेडिकल चौक पर आंदोलन किया गया। देश में रोजाना पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। शहर में तो पेट्रोल 100 तो डीजल 90 पार हो गया है। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से रसोई गैस के भी दाम बढ़ाती है। जनता के रोजाना इस्तेमाल होने वाले इन चीजों के बढ़ते दाम के विरोध में बुधवार को शहर के मेडिकल चौक स्थित पेट्रोल पंप के सामने कांग्रेस नेता गिरीश पांडव इनके नेतृत्व में अनोखा आंदोलन किया गया। इन आंदोलन में जो भी व्यक्ति पेट्रोल भर निकलता था उसे बधाई देकर गुलाब का फूल दिया जा रहा था। आंदोलन के दौरान कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए गए। गिरीश पांडव ने कहा कि भाजपा सरकार ने 60 रुपए का पेट्रोल 100 तक लाकर दिखा है, साथ ही रसोई गैस के भी दाम बढ़ा दिए है। भाजपा सरकार और कितने अच्छे दिन जनता को दिखाने वाला है। बीजेपी सरकार जे खोटो बोलून सत्ते मध्ये आलेले आहे की बा पेट्रोल डीजल आणि गॅस चे किमती आम्ही कमी करू आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी अच्छे दिन आणू हा नारा देऊन ते सत्तेमध्ये आलेले होते। परंतु आज आपण बघतो आहे की कुठल्याही प्रकारची किमती कमी न होता उलट जास्त झालेले आहे। काँग्रेसच्या वेळेस जे 60 रुपये लिटर पेट्रोल होता आज 100च्या वर गेलेलं आहे। पेट्रोल डिझेल जे आहे तेव्हा 40 लिटर होता आज 80 रुपये लिटर झालेलं आहे। गॅस सिलेंडर 300-400 रुपयाचं होतं आज 1000-1200 सिलेंडर झालेलं आहे। आणि म्हणूनच लोकांचे लक्षात आणून देण्याकरता आम्ही हे आज आंदोलन केलेलं आहे। गांधीगिरी पद्धतीने जे लोक या पेट्रोल पंपवरती पेट्रोल आणि डिझेल भरून राहिलेले त्यांच्या लक्षात आणून देऊन राहिलो आहे की मोदी सरकारने जे अच्छे दिन लाएंगे असा जो नारा दिला होता ते हेच अच्छे दिन आहे का, म्हणून आम्ही त्यांना हे गुलाबाचं फूल देऊन एक प्रेमाचं प्रतीक म्हणून आणि मोदीबद्दल जे असलेला रोष प्रकट करण्याकरता आम्ही आज गुलाबाचं फूल देऊन गांधीगिरी पद्धतीने आंदोलन आम्ही करत आहोत। नगर सेवक गुड्डू तिवारी ने कहा कि भाजपा छुपाती है कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। इसका जवाब ये है कि 70 सालों में जो भी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। देखिए, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो गांधी को मानने वाली कांग्रेस है, इसलिए हम लोग ने गांधीवादी तरीके से गुलाब का फूल देके लोगों को अभिनंदन किया कि बहुत अच्छे दिन आप लोगों के आ चुके हैं। जो 70 साल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नहीं किया वो इन्होंने कर दिखाया। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 70 साल में, जो इन्होंने कर दिखाया कि जो 70 रुपये आज 100 रुपये पेट्रोल हो गया और 90 रुपये के करीबन डीजल का भाव हो चुका है और आम आदमी बहुत परेशान है। यानी आम आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है। हिटलर सा यहाँ चालू है और ऐसे ही चलते रहा तो आने वाले दिन बहुत अच्छे आएंगे ऐसा हमको लगता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।